नवीन के साथ हर बातचीत हो रही बेनतीजा। एलएसी पर आक्रामक होता जा रहा है चीन। भारतीय सेना को हर दुस्साहस को कुचलने का आदेश। वायुसेना को हाई अलर्ट रहने को कहा गया। भारत और चीन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच सूत्रों से खबर मिली है कि एलएसी पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है और वायुसेना से हाई लेवल अलर्ट बरतने को कह दिया गया है। भारतीय सेना और वायुसेना लद्दाख, उत्तरी सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सभी क्षेत्रों में हाई लेवल अलर्ट बनाए रखेंगी। चूंकि सीमा पर चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है, लिहाजा भारत अब सतर्क हो गया है। भारत ने कहा, देपसांग से सेना वापस बुलाए चीन। भारत ने चीन से पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक रूप से बेहद अहम देपसांग दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में अपने सैनिकों को वापस बुलाने और निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए कहा है। इस इलाके में हजारों सैनिकों की तैनाती के साथ साथ टैंक और आर्टिलरी गन भी मौजूद हैं। एलएसी पर पेंगोंग और देपसांग के अलावा गतिरोध की अनेक जगहों से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को विस्तार से बातचीत की है। एलएसी की चीनी क्षेत्र की तरफ दौलत बेग ओल्डी में मेजर जनरल स्तर की बातचीत शनिवार 11 बजे शुरू हुई और शाम 7:30 बजे समाप्त हुई। बैठक में उन फैसलों को लागू करने पर बात हुई जो पिछले हफ्ते दोनों सेनाओं के कोर कमांडर्स के बीच हुई पांचवें दौर की बातचीत में लिए गए थे। भारतीय पक्ष की ओर से 3री इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ऐसी सूचना मिली है कि दोनों पक्षों ने गतिरोध वाली जगह से सैनिकों के पीछे हटने के लिए एक समय सीमा तय करने पर भी बातचीत की। सैन्य वार्ता में भारतीय पक्ष जल्द से जल्द चीनी सैनिकों की पूरी तरह पीछे हटने की प्रक्रिया पर और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले के अनुसार यथास्थिति तत्काल बहाल करने पर जोर दे रहा है। 5 मई को पेंगोंग सो में दोनों सेनाओं के बीच टकराव के बाद गतिरोध की स्थिति बन गई थी। चीन को भारत की फिर से दो टूक। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान घाटी और कुछ अन्य गतिरोध वाली जगह से सैनिकों को वापस बुला लिया है, लेकिन पेंगोंग सो, गोगरा और देपसांग में फिंगर क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन को फिंगर 4 और 8 के बीच के क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी। इससे एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्षेत्र में तनाव कम करने के तरीकों पर करीब 2 घंटे तक बातचीत की थी। भारत नहीं ले रहा कोई चांस। सेना ने लद्दाख में गाड़े खूंटे। चीनी सेना की ओर से पेंगोंग सो, देपसांग और गोगरा जैसे टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ने के मद्देनजर अत्यधिक चौकसी बरतने का नया निर्देश जारी किया गया है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में और एलएसी पर अन्य सभी संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी के मौसम में एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की मौजूदा संख्या बरकरार रखने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। सेना अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और विंटर गियर खरीदने की प्रक्रिया से गुजर रही है। एलएसी पर ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में सर्दी के मौसम में तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। वहीं थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवड़े पहले ही एलएसी के साथ सीमावर्ती संरचनाओं के संचालन की निगरानी कर रहे सेना के सभी वरिष्ठ कमांडर्स को निर्देश दे चुके हैं कि वे बेहद उच्च स्तर की सतर्कता बरतें और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए आक्रामक रुख अपनाएं। गतिरोध के मद्देनजर पिछले 3 सप्ताह में सेना प्रमुख ने 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की देखरेख करने वाले वरिष्ठ कमांडर्स के साथ लंबी एवं विस्तृत चर्चा की है। भारत हर मुकाबले को तैयार। चीन ने देपसांग सीमा पर 17,000 से ज्यादा सैनिक और भारी आर्टिलरी तैनात कर चुका है। साथ ही चीन ने सीमा के बहुत नजदीक अपनी परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं। हालांकि इसके जवाब में भारत ने भी इससे ज्यादा सैनिक और एक बख्तरबंद ब्रिगेड तैनात कर दी है। चीन देपसांग से करीब 35 किलोमीटर दूर दौलत बेग ओल्डी में वायुसेना ठिकाने पर भारत की मजबूत हवाई तैनाती पर भी विरोध जता रहा है। चीन ने 2013 में भी देपसांग में अपने सैनिक तैनाती बढ़ा दी थी।
करीब 3 महीने की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद हालात सामान्य हुए थे। इस इलाके में दोनों देशों के एलएसी के दावे में करीब 8 से 10 किलोमीटर का फर्क है। वहीं पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग और गोगरा में गतिरोध बना हुआ है। कोर कमांडर स्तर पर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर अब तक कोई ठोस हल नहीं निकला है।